टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो ये हमारी होने वाली है बलिनो के ऊपर। तो गाइस बलिनो के अंदर हम लोगों को तो पता है कि मैं क्या क्या चीजें मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर चुका हूँ और क्या क्या चीजें हमें करनी बाकी है। लिया आज हम इसके अंदर लगवाने जा रहे हैं गाइस साइड फेंडर और इसका बोनेट है वो मॉडिफिकेशन होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो के अंदर जब मैंने इसका बम्पर है वो रेडी करवाया था, अब क्या है दोनों चीजें हमारी रेडी होने वाली हैं। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मायापुरी, वहां से लेना पड़ेगा हमारे को साइड फेंडर एक बोनेट। अब मायापुरी आप लोगों को पता है फेमस है पुरानी चीजों के लिए। तो गाइस अपना जो मायापुरी का काम था वो भी हो चुका है कम्प्लीट, क्योंकि हमने इसके ले लिए दोनों फेंडर और एक बोनेट जिसके हमें खास ज़रूरत थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने गाड़ी के कुछ पार्ट हैं उनको कटवाना। तो आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस ये आ गए हमारे साइड फेंडर आगे का बोनेट। तो चलिए भाई ले लिया फेंडर ले लिए, बम्पर हमारा पहली बन चुका है तो अब ये कार हाहाकार बन जाएगी। पीछे एकदम आ चुका है मैं, अब चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं वहीं पे। ये रहा भाई, लेकिन भाई सही है भाई डिजाइन में तुम्हें व्हाट्सएप कर, ठीक है वीडियो में बताना नहीं हमने हमने क्या डिजाइन देना है, ठीक है बताना नहीं है आप लोगों को, बताना है आप पूरी वीडियो देखोगे तब पता चल जाएगा। हम बिल्कुल अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर वो फोटो वाला साथ उसमें रियल एग्जॉस्ट पे हम डाल दे तो दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप जैसे बोलोगे तो कुछ ऐसा सीन होने वाला, पीछे तो चार एग्जॉस्ट तो थे ही, उसके बाद में हम जो इसके अंदर लगाएंगे वो लगाएंगे हम असली पैरवाट्रॉनिक। तो अभी जितना भी डिजाइन वगैरह होगा सब कुछ इन्हीं उसके अंदर होगा, अलग से कोई भी चीज इसके अंदर लगाई नहीं जाएगी। पीछे का क्या है, पीछे का बम्पर है दूसरा चेंज करेंगे और आप लोगों को दिखा देंगे किसके अंदर किस तरीके की मॉडिफिकेशन हो। तो गाइस आज के दिन अपनी गाड़ी का बोनट और साइड फेंडर हम लेने जा रहे हैं, मेरे साथ में रहमान। हाँ भाई बिल्कुल। यूसुफ ये देखो भाई, इसमें तो अलग लेवल का एक जोश आ जाता है कैमरे के आगे। ये अभी हम हैं बाईपास वाले रोड, इसी रोड पर है शोकिन भाई की वर्कशॉप है तो वहीं पे चलेंगे और वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। हाँ यूसुफ देखो, यूसुफ तो देखो भाई साहब के कितना मस्त हो रहा है। चलो यहीं पे लगाते हैं। यूसुफ देखो गाड़ी क्लासिक मस्त है, ये यूसुफ को पसंद आ गई। इसमें बोनट में काम हुआ है, देख लो गाइस बम्पर इसका गायब है। चलो ये सब अंदर चलते हैं ना, चले चलो अब चलते हैं यूसुफ, ठीक है। रमन कैसी लग रही गाड़ी? यूसुफ तो बाकी है, यूसुफ कांगिया मुआयना कर रहा है कि गाड़ी कैसी लग रही है। हाँ सामान आगे से देखो, आगे से दिखाओ, अच्छा आगे से देखो। तो यहाँ पर होंडा सिविक खड़ी हुई है गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो क्या मॉडिफिकेशन है। हाँ ये वही है, देख रहे हो कितनी सही मॉडिफिकेशन है भाई इसके अंदर। रवन कैसी लग रही है गाड़ी? सही है ना। और देख एक होंडा से भी गिरा भाई, देख सीधा डोर है इसके अंदर, क्या हुआ भाई बंदे का रिएक्शन ये लगे इसका देख। सही है, जो चीज़ आप लोगों को अब दिखानी है वो चीज़ अपनी ये साइड फेंडर फ्रंट बोनट। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो हमने डिजाइनिंग करी है वो साइड में डिजाइन और बीच में डिजाइन, और उसी के साथ में गाइस ये हमारा जो साइड फेंडर है उसके अंदर भी एयर वेंट्स दिए हैं इसके अंदर, और सबों के अंदर एयर वेंट्स है इसके अंदर भी, हमने तीन एयर वेंट्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एयर वेंट्स है, ऊपर भी एयर वेंट्स है, इधर भी एयर वेंट्स है और इधर भी एयर वेंट्स है। तो भाई ये सारा जो काम हुआ है अपने शौकीन भाई ने करा है, बहुत अच्छे से काम करा है। अब क्या है, अब इसको हम पेंटिंग के लिए देंगे, इसके अंदर जितना भी गाइस छोटा मोटा डेंट है उसको करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर जो पेंट जॉब है वो करेंगे। सो गाइस यहाँ से भी आप लोग एक बार लुक चेकआउट कर लो, तो हमारा जितना भी काम है हमारे शौकीन भाई ने करा है। शौकीन भाई अब हमारा पीछे का बम्पर है वो कब बना के दे रहे हो आप? बम्पर पहले उसको लगाते हैं, उसके बाद पीछे का बम्पर भी, अब नेक्स्ट काम हमारा वही है। इसके अंदर एक चीज और लगानी है, और वो क्या लगानी है बता दो जरा। स्पॉइलर वगैरह भी बनेगा, और पीछे अपनी बिल्लो तो खड़ी है। और भाई अब क्या है, इसको हम करवाने के बाद में फिर दोबारा शौकीन भाई के पास में आएंगे। शौकीन भाई रेडी करके रखना जब तक, ठीक है ना। आगे हमारा बोनट भी है वो भी रख चुका है। हाँ भाई ओके ओके रिपोर्ट, बहुत बढ़िया। दे नेक्स्ट, तो आप जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर जो हमारा फ्रंट बोनट है उसकी फिटिंग चेक हो रही है, क्योंकि गाइस जब भी आप लोग ये देख रहे हो ये हमारा पुराना बोनट है और इसकी सेटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंटिंग से पहले इसके अंदर ये काम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हम पेंट वेंट करवाएंगे और देखो बहुत सही हो जाएगा। लुक चेकआउट करो कैसा आ रहा है,
ये हमारे साइड फेंडर भी हो चुके हैं रेडी। अब इसके अंदर भी क्या है, फिटिंग चेक होगी इसके अंदर, उसी के बाद में ही जो ये इंस्टॉल होंगे इसके अंदर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर से दोनों फेंडर लग चुके हैं और हमने इसका जो फ्रंट बोनट है वो भी इंस्टॉल कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पर हम लेकर आए अपनी गाड़ी के ऊपर पेंट करवाने, और उसके बाद में जब फाइनल लुक होगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा हमारी गाड़ी के अंदर जो फाइनल लुक है किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। जो ये है ना, ये वेंट्स है, इसके अंदर होगा ब्लैक, इस साइडों में भी ब्लैक, और ये जितने भी वेंट्स देख रहे हो ये पूरे ब्लैक होंगे। पूरा हमारा जो गाड़ी से मैच का कलर होगा, ये साइड फेंडर, ये बोनट और साइड फेंडर। अब जैसी हो जाएगा नेक्स्ट डे हमें गाड़ी मिल जाएगी, और बाकी अलॉय व्हील का भी सोचेंगे कुछ इसके अंदर अलग सा डिफरेंट सा कलर इसके अंदर हम कराएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे, इसके ऊपर प्राइमर करा, फिर इसके अंदर एयर इनटेक थे वो ब्लैक करा गया, अब इसके ऊपर व्हाइट कलर हो रहा है। और अब जैसे कि अंदर से देख पा रहे हो, अंदर भी हमने इसके अंदर व्हाइट है वो करा दिया, ताकि हमारा जो कलर मैच है वो अच्छे से हो जाए, आप लोगों को अलग से कुछ देखने के लिए ना मिले कि ऐसा लगे। जो भी काम होगा अच्छे से होगा और बढ़िया से होगा। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई तू सब कुछ करा रहा है गाड़ी के अलॉय पे, एक नया पेंट भी होना चाहिए उसके साथ में, एक नया अलॉय भी, ऐसा कलर, ये देख लो आईफोन से मैचिंग, आईफोन से मतलब हमारी हर चीज है, मैचिंग क्यों नहीं चाहिए। तो भी आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या घर की दीवार छोए कमरे नहीं होते ऐसा लग रहा है, पर ये हमारा फर्स्ट कोट, ये है सेकंड कोट, जो सारा कमाल है ना इसके अंदर है। तो अभी तो आपको कुछ देख के समझ नहीं आ रहा होगा, बट जो रिम पे होने वाला ना बहुत ही खतरनाक लेवल का काम होगा, और उसके बाद फिर हम इतने व्हील्स को भी ये कराएंगे। तो अभी फाइनल स्टेज का चल रहा है, कोट वगैरह जो रेडी हो रहा है, उसके बाद आपको सीधा है। तो अपने जो अलॉय पेंट करने के लिए हमने दिए थे, जिसका हम पेंट बना के लेकर आए थे, वो हमारे जो अलॉय हैं वो हो चुके पूरी तरीके से पेंटेड। आपकी क्या राय, क्या कहना? जैसे मैंने कहा था ना वैसे ही जो कलर मेरे को चाहिए था। बहुत बढ़िया, तो दिखा दे भाई। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारा न्यू कलर का अलॉय व्हील। तो जैसे कि आप लोग अलॉय देख रहे हो ना, ऐसा कलर नहीं देखा होगा ना किसी ने, देखा होगा बट इतना कॉमन कलर नहीं है, बहुत रेयर कलर है, तो अच्छा लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, गोल्डन देखा होगा, ब्लैक देखा होगा, लेकिन ऐसा कलर आपने नहीं देखा होगा जो आज आप लोग देख रहे हो। ये हमारा नया टायर है, तो इस टायर के अंदर हम लगाएंगे, ये हमारा मशीन से लगेगा टायर, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो नया अलॉय है, तो हमने इस पर पेंट वगैरह कराया हुआ है। तो क्या है, अगर इस पर हम मशीन से ना चढ़ाएंगे तो इसके अंदर डेंट वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह आ जाएगा, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। सो गाइस, जिस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि हमारी बलिनो की मॉडिफिकेशन थी, हम उसके अंदर नए नए मॉड्स करते जा रहे थे और आप लोगों को दिखाते जा रहे थे, और आज मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी रिवील करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमने गाइस टोटली आगे से चेंज कर दिए, अलॉय चेंज कर दिए। तो गाइस ये रही हमारी मारुति सुजुकी बलिनो, गाइस कोई कह नहीं सकता, ये हमारी मारुति सुजुकी बलिनो है। आप देख लो भाई, इसका जो लुक है हमने पूरी के तरीके से हमने कर दिया एकदम चेंज, ऐसा हो गया गाड़ी हमारी गैंगस्टर वाली माफिया गाड़ी। भाई कमेंट करके बताओ आप लोगों को हमारी जो गाड़ी है वो कैसी लग रही है। तो अब आप लोगों को दिखाता हूं इसके सिनेमैटिक शॉट्स, कुछ एंजॉय करिएगा, और इसमें किस तरीके से हमने मॉडिफिकेशन करी वो आप लोगों को बताऊंगा मैं बाद में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारी बलिनो, इसके अंदर मैंने अलॉय चेंज कर दिए, यानी कि आप देख पा रहे हो इसमें पहले अलॉय दूसरे थे, अब अलॉय इसके अंदर दूसरा हो गया। इसके अंदर जो कलर है गाइस, कलर भी हमने इसके अंदर चेंज करा, जैसे कि आप लोगों को दिखाया था मैंने कि इसके अंदर हमने कलर कौन सा करा है कौन सा नहीं है। और इसी के साथ में हमारा जो बोनट है, बोनट हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है, और सामने से जो गाड़ी की लुक देख रहे हो गाइस, पूरी की पूरी अग्रेसिव सी लुक आ रही है, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता ये बलिनो है। देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी ये गाइस, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हो चुकी है मॉडिफाइड। आप जैसे कि देख पा रहे हो, साइड फेंडर हो गया, आई लाइट्स लगा दी हमने इसके अंदर, और बोनट चेंज है।
तो गाइस यही था हमारी बलिनो के अंदर मॉडिफिकेशन। तो गाइस कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरी बलिनो और आप लोगों की बलिनो, ये मेरी नहीं है, ये आप लोगों की बलिनो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसके अंदर आप ये लगाओ ये लगाओ, जिसकी वजह से हमारी बलिनो कुछ ऐसा लुक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। और ऐसी लुक देखते रहने के लिए आप लोगों को करना इतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे प्यारी सी कॉमेंट करनी और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और इसी के साथ में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन।